उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से हैं। आज हम बनाएंगे शामी कबाब। बहुत ही मज़े के बनते हैं माशाल्लाह, और रेशेदार शामी कबाब इंशाल्लाह बनेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बीफ लिया है तकरीबन 1/2 kg, उसके अंदर एक प्याज, कुछ लहसुन और कुछ साबुत मसाला, लौंग, ज़ीरा, काली मिर्च और कड़ी पत्ता वगैरह डाल के, उसके बाद इसके अंदर नमक, मिर्च और हल्दी 1-1 चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। तो अगर आपको स्पाइसेस में कोई कमी बेशी रह जाएगी इस स्टेज पे तो इट्स ओके, वी विल ऐड लेटर। तो मैंने अंदाजन इसके अंदर जो है वो नमक, मिर्च, हल्दी डाल के जो है वो रख दिया था। साथ ही साथ मैंने चने की दाल ली है तकरीबन 300 ग्राम आप कह सकते हैं, मतलब कि एक पाव से ज़्यादा है और 1/2 kg से कम है। तो ये मैंने चांद दाल भी घो के रखी थी तो उसको जो है इसके अंदर ऐड कर दिया है। अगर आप ज़्यादा रेशे चाहते हैं तो आप चाहिए आपको दाल की क्वांटिटी जो है वो गोश्त की नस्बत 1/2 रखें, और अदरवाइज़ जो है वो आप बराबर भी रख सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप किस तरह का पसंद करते हैं। तो मैंने दाल की क्वांटिटी गोश्त से कम रखी है। तो जब ये अच्छे से दाल और गोश्त गल चुके हैं तो मैं इसको जो है वो मिक्सचर में डाल रही हूँ। तो हम इसको जो है वो अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर मेरा जो दाल और गोश्त इसको अच्छे से बड़े पीस लिया है। तो अब इसी मिक्सर के अंदर जो है मैं एक अनियन जो है उसको क्रश कर लूँगी और उसके अंदर से पानी जो है वो अच्छे से स्क्वीज़ करके सेम मिक्सचर में जो है वो ऐड कर लूँगी। ग्रीन चिली जो है मैंने इसके अंदर ऐड की है बारीक बारीक चॉप करके। तो स्पाइसेस आप इस स्टेज पे देख रहे हैं आपकी किस तरह के हैं। मुझे नमक मिर्च वगैरह थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने ऐड किया। तो साथ ही साथ मैंने इसके अंदर जो है वो ज़ीरा पाउडर ऐड किया है तकरीबन 2 चम्मच, और धनिया पाउडर इसके अंदर मैंने ऐड किया है 1 चम्मच, और साबुत गर्म मसाला इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच, और मिर्च अगर आपको कम लग रही है आप वो ऐड कर लें। तो स्पाइसेस इज़ योर चॉइस। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लें तो आपका जो है शामी कबाब का मटेरियल जो है वो रेडी। आप कबाब को अच्छे से जो है वो हाथ की मदद से शेप दे लें और आपके मज़ेदार जो है वो कबाब है वो रेडी हैं। आप इसको फ्रीज़ कर लें और जब दिल चाहे आप निकाल के इसको फ्राई करें और इन्जॉय करें। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह निगेबान, अल्लाह हाफिज़।